आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग को इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़े मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट। तो अभी तक हम लोग जो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ऐसे तो हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग नॉर्मल मेथड से जानते थे, बट बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड अगर आपके पास लिखा हुआ है तो मतलब आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स को यूज करते हुए आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जितने भी पढ़े हुए हैं ना, सब कुछ हम लोग को पहले से आना चाहिए, तभी हम लोग ये आज का लेक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है आज का, वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग इस तरह के इक्वेशन होते थे वो हम लोग पहले देखते हैं। इक्वेशंस के फॉर्म क्या थे, इस तरह का ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू बी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू बी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू बी थ्री। अगर ये आपका थ्री वेरिएबल है तो थ्री लीनियर इक्वेशन आपके पास जरूर होंगे, याद रखिएगा। थ्री वेरिएबल्स आपके पास है x, y, z, थ्री अननोन वेरिएबल है। तो अगर आपके पास थ्री अननोन वेरिएबल का सिर्फ टू लीनियर इक्वेशन दिए होंगे तब x, y, z के वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए हम थ्री इक्वेशंस होना पहला चीज है कि एकदम मस्ट है। अब पहले हम इस इक्वेशंस के नेचर को समझते हैं, इसका नेचर क्या क्या होता है। देखिए इसके नेचर जो होते हैं वो दो तरह के नेचर हम लोग पढ़े थे, पहले भी पढ़े हुए हैं छोटे क्लास में। एक पढ़े थे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और एक पढ़े थे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये आप लोगों को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के टू नेचर है, इक्वेशन के नेचर है, एक है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन और एक है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए कंसिस्टेंट कब हम इस लीनियर इक्वेशन को कहेंगे, उस समय जब हम उसके डिटरमिनेंट ऑफ ए, जैसे देखिए हम लोग किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। उसको जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि इसके दो तरह के सोल्यूशन आ सकते हैं, एक या तो यूनिक सोल्यूशन, या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, देखिए या तो अगर ये सिस्टम जो है इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट अगर सिस्टम होता तो इसके सोल्यूशन या तो यूनिक मिलेंगे, मतलब एक्स वाई जेड के एक एक सिंगल सिंगल वैल्यू मिलेंगे, या तो एक्स वाई जेड के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन फाइंड हो सकते हैं। तो उस समय हम लोग कह सकते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब ये दो है, उसके सोल्यूशन पर डिपेंड करता है, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब हुआ नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ऐसा इक्वेशन जिसका सोल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है उसको हम लोग नो सोल्यूशन कहते हैं। जो कि क्या कहलाता है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसका रीजन मीनिंग क्या रहेगा, नो सोल्यूशन। वो कंसिस्टेंट है, वो इनकंसिस्टेंट है, उसका बात नहीं कर रहे अभी हम, अभी सिर्फ आपसे ये बात करें कंसिस्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दैट इज मीनिंग इज यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट मीन्स नो सोल्यूशन, द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, उस सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन फाइंड हम नहीं कर सकते हैं। अब चलिए ये तो हम लोग दो पॉइंट हम लोग अभी समझे हैं, अब आगे बढ़ते हैं इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा ये जो चैप्टर हम आज आप लोग को डिस्कस कर रहे हैं ये सिक्स मार्क्स के चैप्टर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यही रीजन है कि अभी तक हम लोग मैट्रिसेस पढ़े, डिटरमिनेंट पढ़े, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़े क्योंकि ये इसका सोल्यूशन हम लोग फाइंड कर सके, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, अगर हम लोग इसका ऐसे लिख लिया, देख लीजिए लेट
इज इक्वल टू मैट्रिक्स, इसको कहा जाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहने का मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को अरेंज करते हैं, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। तो ये हुआ ए मैट्रिक्स। फिर अगर मान लीजिए हम वेरिएबल जो आपका राइट हैंड साइड में है उसको कंसिडर कर लिए बी, राइट हैंड साइड में कौन है, डी वन डी टू डी थ्री, और जो वेरिएबल्स है जितने अननोन वेरिएबल्स है उसको कंसिडर कर लिए कैपिटल एक्स, जो लिखेंगे एक्स वाई जेड, याद रखिए ऐसे ही लिख सकते हैं आप, इसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी हम लिखे हैं उसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये कैसे लिखे, मैट्रिक्स ए जो है वो है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स, मैट्रिक्स बी जो है वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड में जो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म होते हैं दैट इज मैट्रिक्स बी, और कैपिटल एक्स होते हैं जितने वेरिएबल होते हैं उतने हम लोग कैपिटल एक्स में मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये हुआ ए बी एक्स। अब देखिए इसको अगर मान लीजिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, वी कैन राइट, वी कैन राइट, हम सब कैसे लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ध्यान से देखिए ए एक्स इज इक्वल टू बी, अगर आप ए का वैल्यू हम पुट कर दें, ये ए का वैल्यू और ये एक्स का वैल्यू हम पुट कर दें इक्वल टू बी कर दें, तो ध्यान दीजिए इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से आपको ये थ्री लीनियर इक्वेशन फाइंड हो जाएगा, दैट मींस ये थ्री लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मीनिंग यही है कि इस थ्री लीनियर इक्वेशन को हम इन मैट्रिक्स फॉर्म इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए ए का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं और एक्स का वैल्यू हम पुट कर देते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये थ्री लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे और इक्वल टू ये डी वन डी टू डी थ्री होगा यहाँ पर। तो आपका इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस को हम लोग कंपेयर करके उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके ये थ्री लीनियर इक्वेशन आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब हमने जो माना है वो बिल्कुल सही किया है। अब आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको एक्स का एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, मतलब आपको मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स एक्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय ए इनवर्स, जिस तरीके से हम लोग पहले मैट्रिसेस में करते थे, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो आपको क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब आपके दिमाग में याद आ रहा है ये प्री मल्टीप्लाई क्यों लिखे हैं, देखिए प्री मल्टीप्लाई लिखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन में तो मल्टीप्लाई बहुत सारे लिख देते हैं तो हो जाता है, लेकिन हम लोग मैट्रिसेस में ऐसे नहीं लिख सकते, प्री पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ये सब हमको लिखना पड़ता है। क्यों लिखे, अगर हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं देखिए क्या हो जाएगा, ए एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। पहला बात कि ये दोनों एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इक्वल नहीं होता है एसोसिएटिव लॉ में, हम लोग ये जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए, तो ए बी इनवर्स ए इनवर्स बी बी ए इनवर्स इक्वल ही आज जरूरी नहीं है, ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। फिर पता एक्स इंटू ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं है वो भी नहीं पता, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का भी अपना प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, अगर ये ना हो तो। इसलिए प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन पर भी बहुत ही ध्यान देना है। अब देखिए ए इनवर्स ए, ए इनवर्स ए का वाला तो हमको पता है कि वो आई यूनिट मैट्रिक्स आई देता है एक्स, और ये ए इनवर्स बी, अब यूनिट मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है वही मैट्रिक्स बन जाता है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्स का वैल्यू निकल जा रहा है ए इनवर्स बी। देखिए x इज इक्वल टू क्या निकल गया, ए इनवर्स बी, यहां से देखिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकल गया। अब ए इनवर्स बी इसका मतलब x का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, यहां ए इनवर्स का वैल्यू पहले निकाल लेंगे इस मैट्रिक्स ए का यूज करके, b का वैल्यू दिया हुआ है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और x y z के साथ कंपेयर करेंगे तो मेरा इक्वेशन वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां अगर मान लीजिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको ये यहीं तक ऐसा ही करना है, लेकिन आपको अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे लिखते ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। देखिए ये जो है वो क्या है, ए इनवर्स, ए इनवर्स है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट
determinant of k into b divided by determinant of k. अब देखिए इसके एग्जिस्टेंस में यहां केस बनेगा, तीन केस हो सकता है, ये जीरो नहीं आए, हो सकता है ये जीरो आए, हो सकता है ये ऊपर वाला जीरो नहीं आए, हो सकता है नीचे वाला जीरो आए तो ऊपर वाला भी जीरो आ जाए, तीन केस बनेगा. कंडीशंस देखिए, पहला तो इसके अकॉर्डिंग हम x के एग्जिस्टेंस पर बात करेंगे, x एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. देखिए फर्स्ट केस हम यहां से आपको करके दिखाते हैं. क्या लिखें, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a. इसमें केस वन बताते हैं, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो. हो सकता है डिटरमिनेंट ऑफ a जीरो नहीं आएगा. याद रखिए डिटरमिनेंट ऑफ a अगर जीरो नहीं होता है मतलब कैपिटल x का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब था कंसिस्टेंट, मतलब इस समय इसका मीनिंग हुआ डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड इट इज कंसिस्टेंट. ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा. ध्यान दीजिए कंसिस्टेंट अगर आपको चेक करने बोलेगा तो आपको क्या देखना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो. ये वाला पॉइंट हुआ केस टू. केस क्या बना सकते हैं, केस टू व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू जीरो. अब ध्यान दीजिए अगर ये जीरो है तो इसके बारे में बात करते हैं, ऊपर वाले दोनों पे बात करेंगे. यहां पर क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो, सिंपल लग रहा है, ये एक एग्जिस्टेंस वैल्यू दिया होगा. ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर ये जीरो हो गया तो इसके इसका क्या होना होगा, एंड एडजॉइंट ऑफ a इनटू b नॉट इक्वल टू जीरो. ऊपर वाला जीरो नहीं लेकिन नीचे वाला जीरो है, याद कीजिए. अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तब तो वो वैल्यू भी जल्द एग्जिस्ट नहीं करता है. इसका मतलब इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं होंगे. तो क्या हो जाएगा, देन सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड इट इज इनकंसिस्टेंट. ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट. याद रखिए जो नो सोल्यूशन होता था उसके लिए हम लोग उस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट कहते थे. और केस थ्री क्या बनेगा, when determinant of a is equal to zero and adjoint of a into b, ये भी क्या था zero, तो ये भी zero, ये भी zero, दोनों zero. तो इस केस में सिस्टम consistent भी हो सकता है और inconsistent भी हो सकता है. याद रखिए इस point, इस केस में ना अभी पूरी तरीके से study नहीं हुआ है, ये आगे बढ़ेगा, आगे आगे के chapter जब आप लोग पढ़ेगा ग्रेजुएशन लेगा तब इसके बारे में डिटेल में जानना है. अभी इसके बारे में सिर्फ इतना जानिए, ये स्टॉप करेंगे इसको, हम लोग इस पर डिस्कशन और नहीं करेंगे. ये दो पॉइंट हम लोगों को डिस्कशन करना है, थर्ड पॉइंट हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसका कंडीशन जान लेंगे कि समय क्या हो जाएगा, देन सिस्टम हैज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. दोनों ही क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट भी हो जाएगा और इनकंसिस्टेंट भी होने का चांस है. कंसिस्टेंट मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन. या क्या होगा, क्या हो जाएगा, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल जाएगा या कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. तो जब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करने बोलता है तो ये दो पे ही हम लोग काम करते हैं, थर्ड केस में हम लोग को नहीं चेक करना पड़ता. थर्ड केस पे नॉलेज के लिए हम आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, इसके साथ आपको ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलिए अभी हम क्या करते हैं, टू वेरिएबल वाले
कुछ टू सिस्टमों के लिए क्वेश्चन को लेते हैं और सिंपल इसको थ्योरेटिकली हम आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि करना क्या आपको इस मेथड में। आपका आ गया ए इनवर्स। अब हम क्या जानते हैं,
have x is equal to a inverse b. x का वैल्यू हमें क्या था एक्स वाई और a इनवर्स का वैल्यू हमें क्या मिला हमें माइनस थ्री टू टू माइनस वन और b कितना था हम लोग का हम लोग आ रहे थे टू थ्री. अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को ये है टू बाई टू ये है टू बाई वन तो अब आपका हो जाएगा थ्री टू जो सिक्स प्लस थ्री टू जो सिक्स टू टू जो फोर माइनस थ्री यहां से आपका आ जा रहा है जीरो और वन और इधर क्या था आपके पास एक्स वाई कंपेयर करिएगा यहाँ क्या है एक्स वाई तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू जीरो और वाई का वैल्यू वन तो ये आपका यूनिक सोल्यूशन दिया क्योंकि सिस्टम क्या था कंसिस्टेंट. देखें कंसिस्टेंट मेंबर के पास सिस्टम क्या होता है यूनिक सोल्यूशन देता है. ठीक है तो ये हुआ टू वेरिएबल के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन और हम लोग चेक भी कर सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में अपने वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड और पे पुट करके राइट हैंड साइड के इक्वल ले आएगा अगर आ सकता है तो हमारा सोल्यूशन सही है. जैसे देखिए यहाँ पर आपका x प्लस टू वाई है तो x का वैल्यू कितना है जीरो और y का वैल्यू कितना है वन तो देखिए आया टू तो देखिए आदित्य सही था. तो आप ये चेक भी कर सकते हैं अपना सोल्यूशन खुद से. ठीक है आपको किसी का देखने का जरूरत नहीं है कि आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू सही आया है गलत आया. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं. माइनस जेड इज इक्वल टू वन एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टू थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू माइनस वन ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है. ठीक है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा लेट गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लीजिएगा गिवन इक्वेशंस उसके बाद लेट करेगा लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिसेस में लिखिएगा थ्री वन माइनस वन वन माइनस वन वन थ्री वन माइनस टू ये मैट्रिक्स ए हो गया. फिर मैट्रिक्स एक्स लिखिए अननोन वेरिएबल एक्स वाई जेड फिर लिखिए बी कॉन्स्टेंट टर्म वन टू माइनस वन. ठीक है इस तरीके से लिखने के बाद देन द गिवन सिस्टम देन द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म इज ए एक्स इज इक्वल टू बी ये स्टेटमेंट दे दीजिए. ठीक है सिक्स क्लास का चैप्टर को टॉपिक है तो हम लोग स्टेटमेंट के साथ पढ़ेंगे इस अच्छे से. ठीक है नाउ हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं. डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू टू वन माइनस वन वन माइनस वन वन थ्री वन माइनस टू. अब इसको आप ऑपरेशन अप्लाई करके बनाइए या फिर डायरेक्ट करिए. ठीक है एक्सपांसर मेथड से भी कर सकते हैं हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. अप्लाइंग सी वन गोज टू सी वन माइनस टू सी टू देखिए टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा और सी टू प्लस सी टू सी थ्री कर देंगे एंड सी टू कोस टू सी टू प्लस सी थ्री. ठीक है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपका आ जाएगा है ये आ जा रहा है टू माइनस टू जीरो और ये आ जा रहा है वन माइनस इंटू टू इंटू माइनस वन माइनस टू इंटू माइनस वन तो वन प्लस टू आपका आ जा रहा है थ्री और यहाँ आ जाएगा थ्री माइनस टू इंटू वन तो आपका आ गया वन और ये आ गया वन माइनस वन जीरो वन माइनस वन प्लस वन जीरो और वन माइनस टू माइनस वन और ये लास्ट कॉलम माइनस वन वन माइनस टू तो आपका ये प्लस माइनस प्लस से बाहर निकलेगा लेकिन माइनस इसलिए माइनस वन ये दोनों कैंसिल बचा थ्री जीरो वन माइनस वन तो आपका आ जा रहा है माइनस इंटू थ्री माइनस थ्री जिसका आ रहा वैल्यू थ्री नॉट इक्वल टू जीरो. देखिए सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट
क्योंकि ए इनवर्स आपका निकला है, इसलिए इट इज नॉट ए एक एग्जिस्ट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट लिखिए। सो द सिस्टम हैज अ, इसका मतलब क्या होगा, दस द सिस्टम हैज, सिस्टम हैज यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आपको देखना है, देखिए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी मतलब आपको ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो आप चलिए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। नाउ इसको यहां ना निकालते हैं, यहां पर इसको लेस करके यहां बनाते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए जो माइनस का साइन देती और ट्रांसपोज प्लस डिटरमिनेंट माइनस डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट माइनस डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट माइनस डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट माइनस डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट। इस तरीके से सारा सिंबल के लिए दे दिया। हम यहाँ से देख देख के लिखते जाते तो रखते हैं माइनस वन 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 माइनस टू, फिर इसको वन वन थ्री माइनस टू वन वन थ्री माइनस टू, फिर ये दोनों हो जाएगा वन माइनस वन थ्री वन वन माइनस वन थ्री वन, फिर ये जाएगा ये रो और ये कॉलम वन वन माइनस वन वन माइनस टू वन माइनस वन वन माइनस टू, फिर ये वाला जाएगा ये कॉलम और ये दो टू माइनस वन थ्री माइनस टू टू माइनस वन थ्री माइनस टू। ठीक है, फिर ये वाला जाएगा ये कॉलम और ये दो टू वन थ्री वन टू वन थ्री वन, फिर ये वाला जाएगा रो और कॉलम वन माइनस वन माइनस वन 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 माइनस वन माइनस वन वन, फिर ये वाला जाएगा ये कॉलम और ये रो टू माइनस वन 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 टू माइनस वन वन वन, फिर ये कॉलम और ये रो टू वन 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 माइनस वन टू वन वन माइनस वन। ठीक है, अच्छे से हम लोग लिखिए, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाले को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाना है यहाँ पर प्लस और ये ब्रैकेट के अंदर वन। ठीक है, फिर आ जाना है आपका इसके अंदर ब्रैकेट में माइनस फाइव, सॉल्व कर लीजिए माइनस टू और माइनस थ्री तो माइनस फाइव और ये बाहर माइनस है, माइनस वन और प्लस थ्री तो आपका आ जाएगा प्लस और ब्रैकेट में फोर, वन और माइनस माइनस प्लस और इधर थ्री तो आ जाएगा फोर, फिर यहाँ माइनस टू और ये प्लस वन तो आपका आ जाएगा माइनस और माइनस वन। देखिए माइनस टू और प्लस वन तो माइनस वन, टू टू जब फोर माइनस फोर प्लस थ्री माइनस फोर प्लस थ्री मतलब माइनस वन, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन। ठीक है, फिर आपका यहाँ आ जा रहा है टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री मतलब माइनस वन। ठीक है, फिर यहाँ आ जा रहा है वन माइनस वन प्लस माइनस वन जीरो, फिर यहाँ आ जा रहा है टू टू प्लस वन थ्री। ठीक है, यहाँ आ जा रहा है माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, ये वैल्यू सारा हम लोग का आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया आपका माइनस थ्री, यहाँ आ गया थ्री। ठीक है, सही है, और आपका ट्रांसपोज का साइन हम लोग लेते हुए चलेंगे, है ना। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपका आ जा रहा है यहाँ पर वन प्लस फाइव फोर, वन माइनस वन प्लस वन जीरो माइनस थ्री का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका निकल जा रहा है, ट्रांसपोज दे देते हैं वन फाइव फोर वन माइनस वन वन जीरो माइनस थ्री निकल गया। एडजॉइंट ऑफ ए आपका फाइंड हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या निकाला है, ए इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू आपका होता है वन बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वन बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
और आपका डिटरमिनेंट था वो कितना निकला था प्लस थ्री ना, 1/3 और ये है 1 1 0 5 माइनस 1 माइनस 3 4 1 माइनस 3 ये आपका निकल गया ए इनवर्स। ठीक है ना, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स का वैल्यू है आपका एक्स वाई जेड और ए इनवर्स का वैल्यू 1/3 1 1 0 5 माइनस 1 माइनस 3 4 1 माइनस 3 और आपका b क्या था, ठीक है b था 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वन बाई थ्री हमने एक्स वाई जेड 1/3 मल्टीप्लाई करते हैं रो को कॉलम से 1 2 1 into 1 plus 2 फिर 5 5 minus 2 plus 3 4 plus 2 plus 3। ठीक है अब यहां पर आ जा रहा है 1/3 3 और यहाँ क्या 5 6 7 8 8 से 2 माइनस करें 6 आ जाएगा और दिस 4 और द 3 7 8 9 यहाँ क्या 9। अब यहाँ से जैसे 1/3 अंदर ले जाएगा तो आपको आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3। तो क्योंकि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से हम लिख सकते हैं देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दस एक्स इज इक्वल टू आपका आ जा रहा है 1 y is equal to 2 and z is equal to 3. That is your answer. तो इस तरीके से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का थ्री क्वेश्चन थ्री अननोन वेरिएबल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है इसमें एक टाइप और है जो हम लोग को सीखना है उसको कर लेते हैं हम लोग अभी। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका इफ ए इज इक्वल टू आपके पास है 1 minus 2 0 2 1 3 0 minus 2 1 बी इज इक्वल टू 7 2 minus 6 7 2 minus 6 and this is और -2 1 -3 -2 1 -3 -4 2 5 2 5 find AB। ठीक है hence solve the सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्वेशन क्या क्या है x-2y = 10 फिर है 2x + y + 3z = 8 और है -2y + z = आपका है 7। ठीक है ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में सिर्फ लिखने का तरीका अलग है कि आपको स्टार्ट यहीं से करना है, आपके पास ए भी फाइंड करना है, ए भी फाइंड करेगा बाद में, पहले आपको स्टार्टिंग यहां से करना है। ठीक है स्टार्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिखिएगा, गिवन जिस तरीके से हम बताएं वही लिखिएगा। गिवन है आपका x-2y = 10 2x + y + 3z = 8 -2y + z = 7। देखिए इसको कंप्लीट करके लिख लीजिए। गिवन में आप क्या करिए x-2y को लिखिए ऐसे x-2y + 0 × z। ठीक है ये वाला कंप्लीट करिए वाला क्या लिखेंगे 0 × x - 2y + z = 7। अब इसको लिख लीजिए लेट
a is equal to आप यहां से देखिए लिखिए 1 माइनस 2 0 2 1 3 0 माइनस 2 1। अब देखिए जो आपके पास a गिवन में दिया हुआ था और ये जो a आ रहा है वो सेम है या नहीं है? 1 माइनस 2 0 2 1 3 0 माइनस 2 1 करेक्ट। अब देखिए b अगर लिखते हैं तो b तो हमको पता है 10 8 7, लेकिन b यहां कुछ और दिया हुआ, मतलब b आपको यहां नहीं मान सकते, जो b हम लेते थे वो नहीं है, इसमें कोई और मैट्रिक्स है। इसलिए हम यहां x तो एक पहले लिख लेते हैं x y z। अब यहां हम b नहीं ले सकते हैं क्योंकि b हमारा पहले से कुछ और मैट्रिक्स है, तो यहां a कंसीडर कर लेते हैं c जो है 10 8 7, ठीक है यहां तक कर लिए। अब पहले तो आप सिस्टम ऑफ लीनियर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लीजिए, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ a लिख लेते हैं यहां पर, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 0 2 1 3 0 माइनस 2 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 आपका आ जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 2, ये दोनों कैंसिल किए 2, इधर आ गया 7 प्लस 4 आपका आ गया 11 नॉट इक्वल टू 0, सो a इनवर्स एग्जिस्ट। अब a इनवर्स तो एग्जिस्ट हो गया, लेकिन देखिए यहाँ खास बात क्या है, ab के थ्रू आपको निकालना पड़ेगा, ab पर डिफाइन करने बोल रहा है। तो अब आप क्या कीजिए, a इनवर्स एग्जिस्ट तक तो पढ़ लीजिए, अब ab निकाल लीजिए। नाउ ab इज इक्वल टू a क्या है आपका लिख लीजिए 1 माइनस 2 0 2 1 3 0 माइनस 2 1, और b लिख लीजिए 7 2 माइनस 6 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 4 2 5, मल्टीप्लाई करिए ab इज इक्वल टू, देखिए रो को कॉलम से 7 प्लस 4 0 जाइए, फिर रो का कॉलम के साथ 2 और ये 2 और इधर माइनस 2 और फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये माइनस 6 प्लस 6 फिर ये 0 हो जाएगा, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम 7 2 जा 14 माइनस 2 और इधर 4 3 जा 12, ठीक है। इधर आ गया फिर सेकेंड कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 1 3 2 जा 6, ठीक है। फिर यहाँ माइनस 6 2 जा 12 माइनस 3 और 5 3 जा 15, फिर 0 और इधर 2 2 जा 4 और इधर माइनस 4, फिर ये 0 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2, फिर ये 0 इधर हो जाएगा 3 2 जा 6 5 2 जा 5 जा 5, ठीक है। यहां तक आ गया बात आपको, अब देखिए यहां के बाद आप इसको सॉल्व सिद्ध करिएगा तो आपका देखिए फॉर्म ये आ जा रहा है, फर्स्ट वाले में 11 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 11 0 0 0 11। अब सबसे आप 11 कॉमन ले लीजिए, 11 जैसे कॉमन लेंगे तो आपका बन जा रहा है यूनिट मैट्रिक्स, देखिए आ गया यूनिट मैट्रिक्स। इसके प्लेस हम क्या ले सकते हैं, आई आई भी लिख दीजिए और इसको यूज करते हुए आप ए इनवर्स निकाल लीजिए। ए इनवर्स को निकालने का पूरा प्रोसेस आपको यही है, क्या कीजिएगा थ्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो आपका आ जाएगा ए इनवर्स ए b इज इक्वल टू 11 a इनवर्स i, ये दोनों i बन जाएगा i b, ये आ जाएगा 11 a इनवर्स, तो यहां हो जाएगा b इज इक्वल टू 11 a इनवर्स जो हो जाएगा a इनवर्स 1 by 11 b, ठीक है। तो a इनवर्स का वैल्यू आपका यहां से फाइंड हो रहा है, a इनवर्स का देखना मैंने बिल्कुल चेंज हो गया निकालने का, आपका ए इनवर्स कहता है कि वही होगा जो बी मैट्रिक्स को अगर 11 से डिवाइड कर देते हैं, बी हमारा क्या था 7 2 माइनस 6 माइनस 2 1 माइनस 3 और लास्ट है माइनस 4 2 5,
तो ये आ गया ए इनवर्स। अब चलिए सिस्टम में, नाउ सिस्टम आपका किस फॉर्म में था, ए एक्स इज इक्वल टू सी के फॉर्म में था, उसमें बी मान लेते तो बी था, यहाँ सी है, यहाँ ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी ना होकर के सी हो जाएगा। अब यहाँ हो गया एक्स वाई जेड, ए इनवर्स आपका था 1/11 और 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5 और C आपका क्या था, आई थिंक 10 8 7 था, 10 8 7 अरे 10 8 7। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 1/11 17 16 42 28 21 -40 + 16 35। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, 70 + 16 -42 ठीक है, याद जाता 86 - 42 1/11 86 - 42 यहाँ जाएगा 40 20 और 21 -41 + 8 यहाँ से जाएगा 40 और -40 + 5 5 10 और 11 और 4 3 4 5 51। ठीक है, सही है। अब यहाँ से आ जाएगा आपका 86 - 42 कितना हो जाएगा, 44 आप बचेगा आपके पास, हुआ ना एक्स वाई जेड 1/11 44। इसके बाद कितना बचेगा, 11। ठीक है, 11 से 8 माइनस करना आपको, कितना से -41 से 8 तो कितना हो जाएगा 30 -33 -41 है ना, तो आपको -33 होगा और इधर हो जाएगा +11। अब 11 को अंदर ले जाइए तो ये होगा 4 -3 और ये 1, ये आपका एक्स वाई जेड, आपका सोल्यूशन निकला एक्स इज इक्वल टू 4 वाई इज इक्वल टू -3 जेड इज इक्वल टू 1। एक बार चेक कर लीजिए आपका जो क्वेश्चन था, जो इक्वेशन था, उस इक्वेशन में एक बार पुट करके चेक कर लीजिए, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू आपका था 10, x का वैल्यू आपका आया 4 और -2 × -3 तो देख लीजिए 4 + 6 कितना है 10, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आज का हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, थैंक यू।